Hi guys, how are you? मैं कामरान अली और मैं हूँ अतीक। आप देख रहे हैं YouTube चैनल कामरान अली टीवी। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आज हम दोबारा हाजिर हुए हैं। तो गाइस आज की वीडियो जो है वो हम घूमने जा रहे हैं दार्जिलिंग। दार्जिलिंग तो भाईजान जो है गुमक्कड़ दोस्त चैनल है जिनकी वीडियो है दार्जिलिंग टूर कॉस्ट फ्रॉम कोलकाता दार्जिलिंग आफ्टर लॉकडाउन। और बड़ी मजेदार वीडियो है, शुरू के कुछ सीन हमने देखे हैं। बिल्कुल, ये हमारे साथ भी बहुत होता है, तो लेट्स वॉच आपके साथ मिलके देखते हैं आगे क्या होता है। चलें जी, ठीक है, देखेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, बस ये था कि इनका ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम के अकाउंट्स भी वहां मिल जाएंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। Hey guys. कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। हे गाइस, वेलकम टू घुमक्कड़ दोस्त। वीडियो का टाइटल देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये व्लॉग किस चीज़ के ऊपर है। तो मैं बता ही देता हूँ, ये व्लॉग दार्जिलिंग के ऊपर है और टॉपिक्स भी बहुत स्पेशल है। जैसा कि मैंने एक नेपाल की तरह वीडियो बनाया था, उसका लिंक ऊपर आई बटन पे है। ये वीडियो भी वैसा ही धमाकेदार है, तो इस वीडियो को भी मैं शुरू करता हूँ चुटकी बजा के। तो सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू गो। तो दार्जिलिंग किसी भी शहर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि दार्जिलिंग में कोई भी ट्रेन स्टेशन या कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। तो दार्जिलिंग के लिए सबसे पहले जाना होगा न्यू जलपाईगुड़ी, और न्यू जलपाईगुड़ी से बाकी शहरों की अच्छी कनेक्टिविटी है, जैसे बस, फ्लाइट और ट्रेन। फिर न्यू जलपाईगुड़ी से आप शेयर्ड बेसिस पे या प्राइवेट टैक्सी से भी जा सकते हैं। शेयर्ड बेसिस पे आपको 200 से 300 रुपये खर्च करने होंगे और प्राइवेट टैक्सी से 2000 से 2500 रुपये। और न्यू जलपाईगुड़ी से आप दार्जिलिंग बाई टॉय ट्रेन भी जा सकते हैं। तो मेरा एक पर्सनल सजेशन, दार्जिलिंग में आप पैकेज नहीं करें तो अच्छा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पैकेज में ही आएँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग दार्जिलिंग और इस तरफ सिक्किम का जब टूर करते हैं तो लोग पैकेज में ही आते हैं। तो आई ऑलवेज़ रिकमेंड कि आप अपना ट्रैवल प्लान खुद से बनाएं, और मैंने भी अभी ट्रैवल प्लान खुद से बनाया और अपना होटल भी खुद से ही बुक किया। इससे आपको दो फ़ायदे मिलेंगे, पहला आपको अपना होटल मनपसंद मिलेगा, और दूसरा आपको एजेंट को एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं देने होंगे। डेकोरेशन और मैंने दार्जिलिंग में दो प्रॉपर्टीज बुक करी थी, दोनों अपने मायने में काफी शानदार थी। तो पहले प्रॉपर्टीज के लिए मैंने पे किया था 1950 फॉर वन नाइट, और दूसरे प्रॉपर्टी के लिए मैंने पे किया था 4800 यानी 4800 रुपया एक रात के लिए। तो अब चलते हैं फूड की तरफ, और मैं शेयर करूंगा उसका एक्सपेंसेस भी। एक्चुअली दार्जिलिंग बहुत डाइवर्स है, तो यहाँ का फूड भी बहुत डाइवर्स है, और यहाँ पे हर तरह के आपको फूड मिल जाएंगे। तो फूड का एक्सपेंस का मैं बात करूं तो आपको एक मील के लिए 250 से 300 रुपये खर्च करने होंगे। तो अब मैं दार्जिलिंग के कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स शेयर करूंगा जो आपको शायद ही पता होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो घूम रेलवे स्टेशन इज द इंडियाज़ हाईएस्ट रेलवे स्टेशन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2258 मीटर 2258 मीटर पे है। घूम रेलवे स्टेशन जो इंडिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, पता था नहीं पता था। अब चलते हैं दूसरी तरफ।
यू नो दार्जिलिंग हैज द मोस्ट एक्सपेंसिव टी इन द वर्ल्ड। जी हाँ, दार्जिलिंग के पास एक एक ऐसे चाय होते हैं जिसकी कीमत 1,80,000 तक होती है और ये चाय पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट होती है। सो दार्जिलिंग इज फेमस फॉर मोस्ट एक्सपेंसिव टी इन द वर्ल्ड। वी ऑल नो इंडिया इज वेरी डाइवर्स, इंडिया बहुत डाइवर्स है, बट इफ आई टेल दार्जिलिंग इज मोर डाइवर्स देन इंडिया, दार्जिलिंग इंडिया से भी ज्यादा डाइवर्स है, बिकॉज दार्जिलिंग में बहुत सारे लैंग्वेज है, जैसे नेपाली है, तिब्बतन है, बंगाली है, हिंदी है, इंग्लिश है, बहुत सारे लैंग्वेज एक ही छोटे से प्लेस में इतने सारे लैंग्वेज, और जो रिलीजन है रिलीजन भी काफी ढेर सारे हैं। तो यू कैन सी दार्जिलिंग इज वेरी डाइवर्स। चलते हैं अब अगली तरफ। तो दार्जिलिंग का रोपवे इंडिया का सबसे पुराना रोपवे है और एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रोपवे है। तो चलते हैं दूसरी तरफ। हमारे एवेंजर के डॉक्टर स्ट्रेंज यानी मिस्टर बेनेडिक्ट एक टाइम पे तिब्बत मोनास्ट्री में इंग्लिश पढ़ाया करते थे, जी वो इंग्लिश टीचर थे। मुझे भी ये बात पता नहीं थी, मुझे बात ये बाद में पता चली। अब चलते हैं दूसरी तरफ। तेंजिंग नॉर्गे इज द फर्स्ट एवरेस्ट माउंटेनियर जो यहाँ दार्जिलिंग से ही बिलोंग करते हैं। 1954 में वो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं और दार्जिलिंग में ही उनका डेथ होता है 1986 में। तो अब चलते हैं अगली तरफ। नाउ लेट्स गो टू द टूरिस्ट प्लेसेस। तो ये थी मेरी छोटी सी कोशिश दार्जिलिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भैया चलिए, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय 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 बाय। हम भी चलें अगली जगह। तो यार वीडियो बहुत अच्छी थी, इंटरेस्टिंग भी थी और कुछ लश वाले इफेक्ट्स थे। एक चीज जो उन्होंने बिल्कुल सही बताई है कि बाकी अगर घूमने का मूड हो ना बंदा, मतलब इसमें थोड़ी सी ख्वारी होती है, लेकिन अपना पैकेज, अपना जो प्लान है, रूट है, वो खुद बनाने का। पैकेज में मैं भी ट्रैवल कर चुका हूँ, पैकेज में ये होता है कि उन्होंने 2-3 जगह रखी होती हैं, बस वो सीधा सीधा ले जाएंगे, आपको ट्रैवल कराएंगे, विजिट्स कराएंगे, या जितनी भी जगह उन्होंने रखी होती वो इसके अलावा नहीं आपको कहीं लेके जाते, और पैसे भी एक्स्ट्रा होते हैं। मतलब जितने जितना एक मिसाल है, पैसे वो लोग पैकेज में ले लेते हैं ना, बिल्कुल उसमें, उस पैकेज में जो प्लेसेस इंक्लूड होती हैं, आप उससे ऑलमोस्ट डबल घूम लेते हो। हाँ, इसमें मैं भी थोड़ी सी विषय टिप्पणी करना चाहूंगा, क्योंकि उसमें ये होता है, देखें जो भी टूर करवाते हैं ज़ाहिर सी बात है उनकी एक स्पोर्ट्स जो होते हैं ना पिक किए होते हैं कि इस जगह पे जाना है, उसके अलावा कहीं नहीं जाना। तो ये नहीं होता बंदे को पता कि यार ये जगह मुझे पसंद आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि उससे बिल्कुल अलग चीज़ होती है, क्योंकि मैं ज़ाहिर सी बात है कोई और चीज़ देखना चाहता हूँ जो पिक टूर में नहीं दिखा सकते। नहीं तो नहीं, वो अब एक बंदा जो पैकेज लेके जा रहा है उसको पहले बताया जाता है, लेकिन मतलब पूरा वो ब्रोशर बना होता है, वो मुझे आइडिया है इस बात का, लेकिन वो जगह देखने के ऊपर जो बंदा फर्स्ट टाइम जा रहा है, ठीक है, उसको देखना है, पता नहीं होगा ना। नहीं, ऐसा नहीं होता ना, देखो पता हो या ना हो, उसको ब्रोशर दिखाया जाता है कि ये ऐसी जगह होगी, यहाँ पे जाया जाएगा, यहाँ पे जाएंगे। उस चीज का मुझे आइडिया, मैंने बहुत टूरिस्ट गाइड्स भी देखे हैं, टूरिस्ट ऐसे वो देखे मैंने सारे, लेकिन कहने का मकसद है आपका दिल अगर चाह कि वहाँ नहीं जाना चाहते, मिसाल की बात है
आपका एक टूर के बगैर इसका ये फायदा होता है कि आपका दिल चाहे आज नहीं जा रहा नहीं जा, कोई बात नहीं है, आप दूसरे दिन किसी और जगह चले जाओ। वैसे ऐसे बाइकर भी ऐसे काफी सारे देखे, वो कहते हैं जैसे कि एमएसके वगैरह, एमएसके हो गया और भी लोग हैं, तो वो यही कहते हैं यार प्लान तो बंदा बनाता है लेकिन क्या है कि बंदे का भी प्लान है ना वैसा सीधे जाता नहीं है, फिर कभी दिल चाहता है कि इधर नहीं उधर निकल जाओ। तो ये चीज फायदी होती है अपनी ट्रेवलिंग करने में, यानी कि आप पैकेज के बगैर अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हो, कितना भी स्टे कर सकते हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप पैकेज लोगे उस हिसाब से स्टे करना होगा, उसकी सारी करनी होती है। उसमें फिर ये भी होता है ना कि बंदे का मन हुआ तो सस्ता होटल भी ले लिया, मन हुआ तो महंगा भी, जैसे इन्होंने लिए मेरे ख्याल एक होटल 3000 के आसपास का लिया है, 4800 का एक होटल लिया, सेकंड फर्स्ट वाला 1900 समथिंग कुछ रुपीस का लिया उन्होंने, तो ये भी अपने ऊपर डिपेंड करता है खाना किस तरह खाना है। ये बिल्कुल मैं तो इस चीज का आदि हूँ, सॉरी आपने, मैं तो इस चीज का आदि होता हूँ कि मैं जब ट्रेवल करता हूँ मैं ना मतलब बहुत हाई फाई होटल लेता हूँ ना मैं कोई हाई फाई खाना खाता हूँ, मेरा होता है मैं घूमने का नशा ही हूँ एक तरह का, तो बस घूमने पे जोर होता है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता हूँ, उसमें फिर ये होते हैं जो बचत होती है वो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कवर करने में आ जाती है। यही वजह है, देखिए अगर हाई फाई होटल पे अगर खाना ही खाना ना तो आप जहाँ रहते हो ना वहाँ भी जाके खा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ट्रेवल करने का घूमने का फायदा ये होता है कि एक्सपेंस पे अपना बचाओ और सारी यानी कि आप घूमने भी जो चीज़ आप कम घूम सकते हो और जो पैसा बचेगा आप उसमें ज़्यादा ट्रेवल कर सकते हो, ये चीज़ें तो मैंने बहुत देखी हैं। दूसरी बात दार्जिलिंग के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ, दार्जिलिंग में बहुत पुराने अभी भी स्टीम इंजन चलते हैं वहाँ, मैंने देखा है कि मैं वीडियो काफ़ी सारी देखी है मैंने दार्जिलिंग की, क्योंकि वो ट्रेन पे सिर्फ वो ही जाते हैं कि वो जो होती है टी लाते हैं, इनके ऊपर पहाड़ी इलाका है ना तो वहां से लाने लाने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, तो स्टीम इंजन के जरिए अभी छोटी गाड़ी जो आपने पटरी देखी थी ना वो इसी चीज की डिजायर था कि वहां पे हाँ जो टी वगैरह है ऊपर माउंटेन से नीचे लेके आते हैं। कौन सी चाय वाली किस्म है जो बता रहे थे 1,80,000 रुपए? हाँ वो पता नहीं अब इतना, ये तो हमें भाई साहब बोलो बता सकते हैं। हाँ, वैसे दार्जिलिंग के हवाले से बहुत सुना है बहुत खूबसूरत जगह है, क्योंकि टी प्लांट जहाँ होते हैं वहाँ तो ऑलरेडी वो ग्रीनरी होती है। मैंने तो इसके अलावा भी देखा दार्जिलिंग मूवीज वगैरह में अक्सर देखा था, सबसे जो ज्यादा मुझे याद है मैं हूं ना मूवी जो शाहरुख खान की है। हाँ, मूवी में कम देखता हूं, ये बता सकते हैं भाई। अब पता नहीं वो बताया तो गया था दिखाया तो गया था दार्जिलिंग, अब ये नहीं पता कि वो रियली दार्जिलिंग में ही शूट हुई है या कोई मतलब होता है ना अक्सर कि वो सिर्फ एक स्क्रिप्ट है लेकिन शूटिंग कहीं और हुई होती है। मैंने तो नेशनल ज्योग्राफिक में बहुत देखा है दार्जिलिंग के हवाले से, बहुत सारे यानी कि उस पर स्टोरियां बनी हुई है, बहुत सारी चीजें मैंने देखी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यार वीडियो बहुत अच्छी थी, इन भाई साहब ने बहुत अच्छी मेहनत की है, सब कुछ बताया डिटेल में और जो लंच वगैरह। अब एक चीज है बाकी अगर हमारे रुपीस में देखा जाए तो जाहिर सी बात है वो चीजें महंगी हैं, जो डबल हैं, अगर वो 4800 का है तो हमारे लिए हो गया समझो 9000 या ऑलमोस्ट 9,500-10,000। हाँ, तो हमारे लिए बहुत है, जाहिर सी बात है वहाँ की करेंसी के लिए वो बिल्कुल सही था, उनको सही लगा, उन्हें अपना वो जो ना स्टे किया वहाँ पे बहुत अच्छा था, होटल भी अच्छा था जो उन्हें बेड फिर देखा है ना, होटल बहुत काफी अच्छा था और टॉप पे था यानी कि वहां से बोले ना नीचे भी नजर आ रहा था, खूबसूरती थी बहुत, ये बहुत अच्छा है। तो गाइस इस रिएक्शन को रखेंगे यहाँ तक, वीडियो ओवरऑल बहुत अच्छी बहुत लश वीडियो थी और बजाय ये 6 मिनट की वीडियो है लेकिन इसको बनाने में इनको 2 से 3 दिन लगे हैं, ठीक है, टाइम लगता है, टाइम लगता है, तो लेकिन बहुत अच्छी एफर्ट थी और बहुत मजेदार वीडियो लगी। तो बाकी ये है कि नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, बट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया तो। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।